बांदा जेल में 5 जेल कर्मियों के निलंबन के बाद 6 घंटे जेल की सघन तलाशी। निरीक्षण के बाद डीआईजी सेल वापस लौटे। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार के बैरिक में आम और अन्य सामान मिलने के बाद 5 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद आज डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी जांच करने मंडल कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे जेल कैंपस का बारीकी से निरीक्षण किया। करीब 6 घंटे निरीक्षण के बाद डीआईजी जेल वापस लौट गए। डीआईजी जेल ने बताया कि निरीक्षण में कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, न ही विशेष कमियां मिली। उस दिन निरीक्षण के दौरान डीएम साहब को रुकना पड़ा, जिस कारण डिप्टी जेलर पर कार्यवाही की गई। आज भी निरीक्षण के दौरान प्रभारी जेल अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा को देखते हुए खास व्यवस्था के निर्देश दिए। बता दें कि सोमवार देर रात करीब 9 बजे डीएमएसपी भारी पुलिस बल के साथ जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उस दौरान जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल में पहुंचने के बाद डीएमएसपी को करीब 15 मिनट इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें आशंका हुई। ताला खुलते ही सभी अधिकारी जेल कैंपस का बारीकी से निरीक्षण करने में जुट गए, जहां उन्हें मुख्तार की तन्हाई बैरिक में बड़ी संख्या में आम की भी सहित कुछ और सामान मौजूद मिला। साथ ही मुख्तार की सुरक्षा में लगे जेल कर्मी भी बगैर बॉडी कैम के मिले, और जिस पर उन्होंने करीब 1.5 घंटे से ज्यादा जेल कैंपस के अंदर निरीक्षण करते रहे। मौजूद डिप्टी जेलर से पूछने पर गोलमोल जवाब मिला। करीब 10:40 पर जेल परिसर से बाहर आए, जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने एक संयुक्त रिपोर्ट कर शासन को भेजी थी, जिस पर डीजी जेल आनंद कुमार ने डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह सहित 4 जेल सुरक्षा कर्मी सस्पेंड कर दिए। इस बात की पुष्टि जेलर वीरेंद्र कुमार ने की। आज आपके दौरे किसको लेकर एक डिप्टी जेलर और 4 सिपाही को निलंबित कर दिया गया। बाकी और सुरक्षा व्यवस्था कैसे कड़ी की जा सकती है, उसके मैं उसी को मैं निरीक्षण करने आया था। इस संबंध में मैं जिलाधिकारी और पहले भी मुख्तार अंसारी पर सुरक्षा पर कई सवाल उठ रहे थे और उसको लेकर ये चूक देखी जा रही है, क्या कहेंगे? चूक को उसी का सुधार करने के लिए मैं आया था और उसमें उसको बाकी लोगों को निर्देश दिए और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। आप द्वारा इंजेक्शन भी तो दिए जा रहे थे जेल प्रशासन को, फिर भी नहीं सुधर रहे, तो फिर सुधार है? ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं है। इस समय क्या कहते हैं, बाकी तलाशी में इसीलिए कोई सामान नहीं मिला उनको, अगर सुधार नहीं होता तो तलाशी में कुछ सामान मिलता। लापरवाही उनकी जो है इस बात की थी कि वो जिलाधिकारी महोदय का थोड़ा सा वहाँ पे रुकना पड़ा, समय लगा।